नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, भारत की टीम 5 ऑलराउंडर के साथ उतरने वाली है पहले ओडीआई मैच में। तो कौन से वह होंगे खिलाड़ी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी राहुल द्रविड़ के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारत की 20 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है और भारत की बी टीम श्रीलंका दौरे पर पहुंच चुकी है। भारत और श्रीलंका के बीच में 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। और दोस्तों, 20 सदस्यीय टीम में काफ़ी सारे ऑलराउंडर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम पहले वनडे मैच में 5 ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है। भारतीय टीम तो क्या होंगी वो 5 ऑलराउंडर, आइए बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो खिलाड़ी है वह है हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या जिनको नेट में बॉलिंग करते हुए देखा गया है, ऐसे में उनको एक ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम जरूर खिलाना चाहेगी। दोस्तों, हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से गेंदबाजी नहीं कर रहे थे और उनको एक ऑलराउंडर नहीं कहा जा रहा था क्योंकि वह गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनको केवल और केवल बल्लेबाजी कहा जा रहा था। लेकिन इस सीरीज से पहले नेट में लगातार गेंदबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वह ऑलराउंडर हो चुके हैं। अब वह दूसरे नंबर पर उन्हीं के भाई हैं कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या भी एक खतरनाक ऑलराउंडर हैं। इनको देखने के बाद विपक्षी टीम कांपती है क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं वह दोनों काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तीसरे ऑलराउंडर हैं कृष्णप्पा गौतम। जी हाँ दोस्तों, गौतम पर खासा भरोसा जताते हैं राहुल द्रविड़, क्योंकि कृष्णप्पा गौतम का खेलने का जो तरीका है वह काफ़ी शानदार है। वह अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, चौथे और पांचवे ऑलराउंडर हैं दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों को लगातार बल्लेबाजी करा रहे हैं राहुल द्रविड़, क्योंकि हमने देखा है इनको नेट में ज़्यादा बल्लेबाजी कराई जा रही है और इनको गेंदबाजी से ज़्यादा बल्लेबाजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इन्हें पूर्ण रूप से ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी ज़्यादा ऑलराउंडर टीम में होंगे उतनी ज़्यादा संतुलित नजर आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यह सीरीज़, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।